चलिए, बेसिकली आप सबको पता है कि बीआईएम क्या होता है, ठीक है। बीआईएम मतलब होता है गैस कि अगर इसको बहुत आसान कर दूं, ठीक है, तो बीआईएम का मतलब होता है कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है, बिल्डिंग के ऑपरेशन का, बिल्डिंग स्टार्ट टू एंड सारे जो जो प्रोसेसिंग होगी, सारा प्रोसेसिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लेना, दैट इज कॉल्ड बीआईएम। डिफिनेशन की लैंग्वेज में बोलूं तो ये बेसिकली क्या होता है, बीआईएम एक 3D इंटेलिजेंट मॉडल है। क्या है 3D इंटेलिजेंट मॉडल? इन दोनों में अंतर कुछ ऐसे ही है, जैसे कपड़े की दुकान पर एक स्टैचू लगा रहता है जिसके ऊपर आप टी शर्ट उशर्ट देख के डिसाइड करते हो कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है, वो एक 3D मॉडल है स्टैचू। और रोबोट मूवी में रजनीकांत को देखा होगा, जिसको आपकी फेवरेट हीरोइन के साथ इश्क हो जाता है, मतलब वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है। कौन? रोबोट, जो आपने रोबोट मूवी में देखा होगा, वो एक एक्चुअली बीआईएम मॉडल की तरह है। तो बीआईएम मॉडल का मतलब जिसके अंदर जो इंटेलिजेंट, ठीक है, जो दुकान के बाहर स्टैचू खड़ा है, क्या है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो स्टैचू रोबोट में आपने देखा वो क्या था, वो इंटेलिजेंट था। तो यही दोनों में अंतर होता है। आप बोलोगे सर ये बिल्डिंग में कैसे इंटेलिजेंट बन जाते हैं? वो बिल्डिंग इंटेलिजेंट होती है जो बिल्डिंग अपना डिटेलिंग्स करके दे दे, वो बिल्डिंग इंटेलिजेंट होती है जो अपने फैमिलीज को अलग अलग खुद से बना दे, वो बिल्डिंग इंटेलिजेंट होती है जो रेनफोर्समेंट खुद से दिखा दे, वो बिल्डिंग इंटेलिजेंट होती है जो बता दे कि मैं यहाँ पर मेरे साथ क्लैशिंग हो रहा है। मतलब कुल मिला के और बहुत कुछ है इसके अंदर। आसान भाषा में एक 3D इंटेलिजेंट मॉडल बनाना, दैट इज कॉल्ड बीआईएम। और आसान करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे एक खाना बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि पहले सब्जी बनाएंगे, फिर चपाती या रोटी बनाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आप दही या जो भी चीजें बनाते हैं, दाल चावल बनाते होंगे, दाल चावल बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट खाना हो गया। और इस खाने को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आपका सब्जी से हुआ होगा, फिर आगे के प्रोसेस। ऐसे ही बिल्डिंग में भी होता है, स्टार्ट टू एंड क्या 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 काम होगा, जो सारा काम ऑन साइट होगा, ऑन साइट इन द सेंस प्रैक्टिकली जो काम होने वाला है वो सारा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहले करके देख लेना, दैट इज कॉल्ड बीआईएम, ठीक है। जो सारा काम ऑन साइट करवाने, जैसे आप में से कई लोग साइट इंजीनियर होंगे, तो जो काम आप साइट इंजीनियर के तौर पे एक साइट पर कराने जा रहे हो, स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस, वो सब कुछ पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लेना, यानी लैपटॉप पे कर लेना, दैट इज कॉल्ड बीम मॉडल। आप बोलोगे सर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्यों करना, जरूरत क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करने की? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करने का मेन जरूरत क्या होता है, जैसे कि आप लोग में से कई लोग अपने अपने घरों में कोई बड़े फंक्शंस में, या फिर बेसिकली क्या बोलते हैं, ऐसा किए होंगे अपने घरों में कि सामान लेके आना है, आपके माता जी ने आपके पिताजी ने बोला ये सामान लेके आना, हल्दी लाना है, ये लाना है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। आप उसे लिखते क्यों, जब आपको 40 से 50 सामान बोल देते हैं आप उसे लिखते क्यों? मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताइए, आपके घर में आपकी माता जी जब आपको बोलते हैं कि ये सामान लेके आना है, आप उसे लिखते क्यों? जस्ट आप कमेंट करके बताइए उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि भूल ना जाए, ठीक है, और लोग भी अपने रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अभी बहुत अच्छा आ रहा है आंसर, देखिए क्रीम हो रहा है आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन्होंने सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा आंसर भेजा, सॉरी प्रदर्शनी ने बहुत अच्छा आंसर किया है, और लोग बजट, वेरी गुड, अभी निकल के आ रहा है, एक ही चीज नहीं है कई चीजें, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एस्टिमेट के लिए बहुत एक्सीलेंट, कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, वेरी गुड, याद रहे, करेक्ट है, बहुत सुंदर, ठीक है। और कोई भी सामान की मात्रा ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा हो गई तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, सामान कम हो गया फिर से जाना पड़ेगा पेट्रोल का कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर ये क्या आप जोड़ रहे हो, नहीं भाई जोड़ नहीं रहा, जस्ट बिल्डिंग के रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास, बिल्कुल वेरी गुड, अगर आपके पास लिस्ट है तो आप क्या करेंगे, जाएंगे फटाफट उस दुकान पे, वो सामान उस दुकान पे, वो सामान, आपके पास पूरा सामान फटाफट आ जाएगा, तो आपका क्या हो गया, टाइम सेविंग हो गया, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई अंबानी है, ठीक है, पैसे कम पड़ सकते हैं ना, तो एक प्रॉपर आपके पास एस्टिमेट होना चाहिए कि घर से आपको 500 लेना है कि 1,000 लेना है कि 5,000 लेना है, ठीक है, तो ये भी आपको पता रहेगा। प्लस आप मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च भी कर सकते हो कि ये सामान कहाँ पर सस्ता है, कहाँ पर महंगा है, उससे रिलेटेड कोई बंदा है तो आप उससे बात कर सकते हो कि यार ये सामान मुझे लेना है, कहाँ पर मुझे सस्ता मिल जाएगा। तो ऐसे कई ढेर सारी आप चीजें करते हो ना, एक छोटा सा मैंने प्रोसेस बताया, घर का सामान, यही सेम चीज, अभी तो घर का सामान है जो कि
100, 500, 1000, 2000 में आ जाएगा, लेकिन एक बिल्डिंग को जब आप बनाते हैं तो ये 1000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इतने बड़े बड़े बजट का होता है। इसमें कितनी चीजें भूल सकते हैं हम, कितनी चीजों में मटेरियल खराब हो सकता है, कितनी चीजें खराब बन सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको अगर प्री प्लानिंग ना किया जाए तो डैमेज हो जाता है। जैसे कि आपने आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा सा आपने सोचा भाई बना दूं, आपने आर्किटेक्चर भी तो बनवा दिया अचानक से एलिवेशन, एलिवेशन बनने के बाद वो एलिवेशन किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अब बताओ आपका कितना बड़ा लॉस है अगर वो एलिवेशन पसंद ना आए तो, ठीक है, क्यों? अब उसको या तो तोड़ा जाए, भाई एलिवेशन देख के तो आदमी घर खरीदता है, बड़ा दिक्कत की बात है। आपने पाइपलाइन नहीं बनवाई, पूरा बिल्डिंग बनवा दिया, बाद पता चला कि यार सबके रूम के अंदर से पाइपलाइन जाएगा, ओ बहुत गंदा काम हो गया, अब बड़ा दिक्कत होने वाला है। ऐसे कई ढेर सारी चीजें होती हैं, अगर एस्टिमेट पहले से न बनाया जाए, मतलब मॉडल पहले से न बनाया जाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। उन सारे प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन हो जाए इसके लिए पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरा मॉडल बना के एग्जीक्यूट करके देख लिया जाता है कैसे कैसे हो रहा है, फुल प्रोसेसिंग वर्क कर रहा है, चलो ऑन साइट कर लेते हैं। तो इसी काम को बोलते हैं बीम मॉडल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये तो आपको मैंने बेसिकली एक आसान भाषा में बता दिया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आसान भाषा में सीखते हैं, हम लोग ट्रेनिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं नहीं यूज करते हैं। मेरा मानना है भाषा वो जो हमारे दिमाग और दिल दोनों को छुए और समझ में आए कि हाँ यार क्या बात है, मतलब क्या समझना है हमें। 15 फेब से आपकी न्यू गुरुकुल की बैच स्टार्ट हो रही है, जिसका टाइमिंग है इवनिंग में 8:30 से 10, ठीक है, हाँ यही है ना, हाँ यही है, 15 फरवरी से 8:30 से 10 ये क्लास का टाइमिंग है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ कि वो लोग करें जो सीरियस है, ठीक है, सीरियस मतलब जिनके पास डेली का 5 घंटा आपके पास टाइम है तभी आप करें। क्यों? क्योंकि 5 घंटा टाइम नहीं है, तो मैं जो जो लोग इसका ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या रहता है गाइस, 1.5 घंटे आपको लाइव आना रहता है, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, 3 घंटे रिकॉर्डिंग फिर आप कहीं कभी भी वॉच कर सकते हो लेकिन उसी दिन, और 2 घंटे का कम से कम असाइनमेंट्स रहता है, मतलब 5 घंटे का हार्ड वर्क है इसके अंदर। ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो 80% से ज्यादा अटेंडेंस दे दिया, 80% के नीचे वालों को मैं अपना स्टूडेंट नहीं मानता हूँ। आप एडमिशन लो या ना लो, मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ, जो लोग ये बोले कि मैंने पैसे दिए हुए हैं, मुझे सीखना आना चाहिए, मत सीखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है, मुझे सिर्फ सीरियस लोग चाहिए जो 5 घंटे अपना डेडिकेट कर सके। आपकी इच्छा हो तो आप करो, नहीं इच्छा हो मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप आते हो तो आप हमारे गुरुकुल को भी रिप्रेजेंट करते हो। मैं चाहता हूं कि मेरे गुरुकुल से जो लोग निकले कहीं पर काम किए, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे प्राउड होता है, ठीक है, ऑलरेडी इस मीटिंग में है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कितने लोग का नाम लू, ठीक है, ये लोग कहीं पर काम करते हैं तो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें भी बहुत प्राउड फील होता है इनके ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी क्वालिटी उस हिसाब से है। तो मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल में वही लोग जाए जो पूरी तरीके से सीरियस है, जिनका एम है कि मुझे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का ड्रीम एटलीस्ट देख रहे हैं, इसके नीचे के ड्रीम्स देखना है तो फिर मतलब नहीं है, फिर आप कहीं से भी ऑटोकैड सीख के जॉब पे लग सकते हो, साइट पर खड़े होके भी जॉब कर सकते हो, आपको मिल जाएगा जो 2-3 लाख का पैकेज है आराम से मिल जाएगा, 4 तक भी मिल जाएगा, बट इसके ऊपर के ड्रीम्स अगर आपके पास है तो BIM एक बेस्ट ऑप्शन है, और BIM में भी आपका गुरुकुल बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। उसका रीजन क्या है गाइस, उसका रीजन है कि मैं अपने बारे में नहीं बोल सकता हूँ, किसी को अपनी खुद से बड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो मैं अपने बारे में ना बोल के बस इतना बोलूंगा कि हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा है, कंपनी में जो पूछा जाएगा वो सब कुछ मैं आपको सिखा के भेजूंगा, और वो सिखाने के लिए मैं डांटता भी हूँ, ठीक है, कई लोग डांट भी खाते हैं। इस समय आपको पहले से क्यों क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में ना बोलो कि सर मैंने तो एडमिशन ले लिया तब आप बताए, आपने एडमिशन नहीं लिया तब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इवन बोल सकते हैं कि आज ही मैंने बैच का एक तरीके से ऑफिशियली आज ही अनाउंस हुआ है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। हाँ आप कमजोर होंगे, मैं आपके साथ हूँ, बिलीव करिए, आज भी मैं संडे था, आज 3-4 लोगों को अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया हूँ, जितनी हेल्प हो सकती थी मैंने करवाया है, ठीक है, तो ये सब मैं करता हूँ, आपको जो जैसे हेल्प की जरूरत होगी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके अंदर सीरियसनेस बहुत होनी चाहिए, 80% से ज्यादा अटेंडेंस आप दे सकें, डिसाइड कर लीजिए अपने माइंड में कि हाँ मैं इतना कर पाऊंगा या फिर सर से मुझे सुनना पड़ेगा, तो अगर है तो आप आ जाइए, कैरियर बनाने की पूरी गारंटी मैं ले रहा हूँ। इंटरव्यू में जो पूछेंगे, ठीक है, आज आपको ये मैं रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू में जो पूछेंगे
वो सब कुछ जो मैं बताऊंगा उसी में से पूछेंगे, ये भी मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ ऑफिशियली, इस चीज को मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। आप बाद में मुझे बोलना कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं, ठीक है, जो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, जितनी ड्राइंग्स प्रैक्टिस करा दूंगा उसके आसपास से ही सारी चीजें रहेंगी, या फिर बोले तो पूरी तरीके से लगभग वही चीजें रहेंगी। अब इससे बड़ा क्या कॉन्फिडेंस हो सकता है। बेसिकली कई लोग सोच रहे होंगे सर सॉफ्टवेयर क्या सिखाएंगे, तो हमारा मेन क्या रहता है, मेन रहता है कि कंपनी में करंट में क्या पूछ रहे हैं वो सारी चीजों को सिखाना हमारा एम रहता है। बट ऑफिशियली अगर बात किया जाए तो ऑटोकैड आप पहले सीखते हो बेसिक से, एकदम बेसिक से, मतलब लाइन कमांड से, ठीक है, उसके बाद ऑटोकैड के बाद आप रेविट सीखते हो, रेविट आर्टिस्ट स्ट्रक्चर एमईपी, फिर नेविस्वर सीखते हो, टिकला सीखते हो, स्केचअप सीखते हो, 3ds मैक्स सीखते हो। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कंपनियां माइक्रो स्टेशन पूछ रही हैं, ठीक है, माइक्रो स्टेशन पे क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं, तो हमने सोचा कि हमारे सिलेबस में माइक्रो स्टेशन नहीं था, बट हमने अभी सेप्टेम्बर बैच को भी माइक्रो स्टेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं सेप्टेम्बर के बाद अक्टूबर बैच को भी पढ़ाऊंगा, नवंबर बैच को भी पढ़ाऊंगा और आपको भी पढ़ाऊंगा। ये मैंने सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि कंपनी की जरूरत है। तो कंपनी की जरूरत अगर BM 360 है तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा, कंपनी की जरूरत अगर है कि जी ड्राइंग बनाना आना चाहिए तो वो भी मैं सिखाऊंगा। तो मतलब हमारा जो पूरा सिलेबस रहेगा गाइस वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं रहेगा कि नहीं नहीं ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो कोई भी सीख सकता है, हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे और उसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस को सीखेंगे एक एक करके। आप अगर सोच रहे होंगे कई लोग सर सिलेबस भेज दीजिए, तो सिलेबस आपको ग्रुप के अंदर आ जाएगा। अगर मेरे टीम में से कोई है तो प्लीज यहाँ पर ग्रुप से लिंक शेयर कर देना, जिससे कि वो उसी ग्रुप में सभी लोग आ जाए, उस ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा पूरा सिलेबस, डेप्थ में पढ़ लीजिएगा। सिलेबस से ज्यादा आप पढ़ोगे ये मेरी गारंटी है, सिलेबस से एक रत्ती कम नहीं पढ़ोगे ये भी मेरी गारंटी है। चलिए अब इससे ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताता, चलते हम लोग क्या बोलते हैं कि करके एक एक लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि आपका अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रियदर्शनी से स्टार्ट करते हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है, बाकी लोग हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके सबके सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस यस प्रियदर्शनी बोलिए। हेलो सर, हाँ जी मैं श्रियंका प्रियदर्शिनी, ओके करेक्ट आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। हाउ योर कोर्स विल गोइंग टू बेनिफिटेड फॉर मी? आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ रेविट, नेविसवर्क एंड फाइमावेरा, एंड स्टिल आई वांट टू जॉइन योर कोर्स। इज इट गोइंग टू बेनिफिटेड फॉर मी? यस यस डेफिनेटली सी लाइक इन कंपनीज देयर इज अ फिक्स प्रोफाइल बीम आर्किटेक्ट, ओके, दैट बीम आर्किटेक्ट रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल नो डाउट रेविट, एंड विथ रेविट राइट नाउ दे आर यूजिंग द माइक्रो स्टेशंस आल्सो। तो रेविट एंड माइक्रो स्टेशन एंड स्केचअप, दीज आर द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर यू। रेदर देन दैट यू नीड टू नो द एलओडीज आल्सो, बिकॉज यू नीड टू डू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट वर्क। तो आई विल जस्ट टीच यू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट मींस एलओडीज, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D concepts required. So I mean for the green energy buildings, for the modeling, for the plannings, there are some concepts required for the interview. So I'll teach you that. And after that, in Gurukul, every week I'm going to do the mock interview with you. In that mock interview, I'm going to ask the questions related to BIM Architect profiles. I'll give you the questions numbers, means the questions. HR interview, technical interview, both I'm going to prepare do every week, and every 15 days I'll just do the CAT test. In that CAT test, you will do the AutoCAD CAT test, Revit CAT test, and SketchUp CAT test. So that give you the confidence for the interviews. So I think for that you need to do that. Okay, Vidyasini? And yes, you, sir. yes. I want to mention one thing, that I have more 3 years of experience in architecture interior field. Interior field, right? Architecture and interior, both. From where you are? I'm from Faridabad. Faridabad. Okay. Basically, you have experience in the interior. That means you use for the interior SketchUp or 3ds Max. 3ds Max Corona. Corona. Yeah. So basically, you have experience in the 3ds Max. So now, if you are in the same profile, so you're not being going to be architect. For the architect, you require the BIM architect profiles. Okay. And definitely you can use this experience in your next job, means whatever you're going to get in the upcoming months. So for that you can just say ki I have a good knowledge of interior, but you need to mention at that time and exterior also, okay? Interior and exterior also. So I'll just teach you how can you mention that. And after that you can just prepare one good portfolio and show to companies, and then it will be helpful for you. Okay sir, thank you sir. Okay ji. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है आप हैंड रेस करके एक एक करके पूछ सकते हैं फटाफट।
विशाल कोई क्वेश्चन है आपको? ठीक है, चलिए रत्नेश का क्वेश्चन है। यस रत्नेश बोलिए। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर रिसेंटली मैंने आपका सर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लिया हुआ अच्छा है। यस ओके ओके, सर, बाय मिस्टेक सर आरिनोल लेना था, मैंने बिम ले लिया था 2-3 दिन कोई पहले बात नहीं, सर। कोई बात नहीं। बट सर उसके लेक्चर काफ़ी अच्छे हैं सर, काफ़ी मुझे समझ में आ रहा है। पहले से सर रैबिट वगैरह आता है, बट लेक्चर देख के समझ में आया कि मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ है जो अच्छा सीखना और ज़रूरी है सर। बहुत जरूरी है। यस सर, अभी यस तो सर, सिर्फ तुमने रिकॉर्डिंग लेक्चर लिया है। गुरुकुल का यस जो सर, लेवल है वो अलग है, मतलब यस एक सर। अलग लेवल पे है। ठीक है, तो या अब ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम्हें कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक्चुअली सर टाइम नहीं मिल पाता, वरना टाइम मिल पाता तो मैं आपका लाइव क्लासेस करता सर। कोई बात नहीं। मेरा डाउट ये है सर, एक्चुअली सर मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा सर। एक अच्छा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म चाहिए सर, मतलब अच्छी कंपनी सर। अच्छी कंपनी चाहिए, यस और सर, किस प्रोफाइल में अच्छी कंपनी देखना चाह रहे हो? सर बी मॉडलिंग में। बीम मॉडलिंग में अच्छी कंपनी देख रहे यस हो? सर, ठीक है, देखो बीम मॉडलिंग के लिए हमने तो पूरा एक रिसर्च कर रखा है। ठीक है, रिसर्च यस में सर, जो टॉप कंपनीज है उनकी लिस्ट चाहिए तो मैं दे देता हूँ, यस करो। सर, बाकी इसको उसमें क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, वो लंबा प्रोसेस है, तो अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यस सर, लेकिन ये जरूर है कि आपको मैं कंपनीज की लिस्ट दे सकता हूँ, उन कंपनीज में आप एक एक करके अप्लाई करिए, और अप्लाई करके इफ यू गॉट द सिलेक्शन यू कैन गो फॉर दैट। सर एक्चुअली सर वहाँ पे पोर्टफोलियो और कवर लेटर मांगते हैं, तो सर वो चीज़ करेक्ट, मेरे पास नहीं है मैं वो सैंपल्स दे मत। देता हूँ, बनाना आपको पड़ेगा। यस सर, यस सर, श्योर सर, ठीक है, मैं सैंपल दे दूंगा, चलेगा। या ओके एंड या नाउ थैंक यू सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था सैनव्यू कंपनी से रिलेटेड, इन्होंने पूछा है, क्या नाम है इनका, ठीक है, स्वप्निल ने पूछा। ठीक, सैनव्यू से रिलेटेड, तो स्वप्निल, सैनव्यू कंपनी अच्छी है। ठीक है, ऑफिसली मुझे रिकॉर्डिंग पे बोलना नहीं चाहिए, बट अभी करेंट बोल के थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसका रीजंस क्या है मुझे तो पता है, बट मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, इफ यू आर एबल टू गेट द सिलेक्शंस आप कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, एथिकली, और एमएनसी है। ठीक है, काम उनका अच्छा है, बीम के अंदर काम करते हैं, LOD 500 तक का काम है। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आप और कुछ पूछना चाहें तो पूछना उसके बारे में। स्वप्निल, हेलो सर। हाँ सर, यस बोलिए। हाँ सर, तो मेरा परसों उसका इंटरव्यू है सैनवेव अच्छा, का, मैं तो आप मतलब आप अगर मेरे से एक नोट्स ले लेंगे, एक नोट्स का पीडीएफ दे दूंगा, प्लीज। सर मैं आपके बैच से पास आउट हूँ हाँ, मुझे पता है सब। गुरुकुल से। ठीक है, तो वो जो तब तो तुम्हारे पास तो कंप्लीट OBIM वाला तो होगा ना, उस सीरीज, हाँ बस वही पढ़ लो, सैनव्यू में तुम्हारा आराम से हो जाएगा। अभी उनके यहाँ पता नहीं क्यों अभी से लास्ट मंथ से सब वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं सबको, तुम्हें भी हाँ पता सर, नहीं, तुम्हें वो बोला ऐसे? हाँ हाँ वर्क फ्रॉम होम ही बोला है, लेकिन इंटरव्यू है अभी। हाँ अभी इंटरव्यू इंटरव्यू कई लोगों का ले रहे हैं, परसों और लड़कों का भी है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाओ, कॉन्फिडेंस लेके जाना, पोर्टफोलियो का कलर प्रिंट कर लेना, क्योंकि वो ना पोर्टफोलियो को बहुत नहीं लाइक करते ऑनलाइन ही हैं। होने वाले हैं, ऑनलाइन ही अरे होने वाह, वाले हैं। तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन है तो भी कोई टेंशन ही नहीं, आराम से दे दो। ठीक है, और ये हाँ क्या सर, बोलते हैं, केवल पढ़ लो थोड़ा सा ना आइसोमेट्रिक के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि आइसोमेट्रिक में ऑटोकैड पढ़ाया था ना, मैकेनिकल ऑटोकैड, ठीक, हाँ वो आइसोमेट्रिक पूछते हैं। अब ऑनलाइन में पूछे कि ना पूछे, ऑफलाइन में पूछते थे। ठीक है, तो ओके, आइसोमेट्रिक के और बारे में क्या पढ़ लो। क्वेश्चन पूछेंगे आपको ऐसा लग रहा बस इसके बाद BIM क्या होता है, तो फिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज BIM, इंट्रोडक्शन है? हाँ पूछना फिक्स है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स, जो तुम्हारा कॉलेज का प्रोजेक्ट हुआ है, जो तुम्हारा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट हुआ है, प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछेंगे। एलडी पूछेंगे, 2D से लेके AD तक के बारे में जरूर पूछेंगे, ये कुछ फिक्स क्वेश्चन है। वो जो ओके, 12 पेज वाली PDF है ना, वो पढ़ लो, खत्म। हाँ ठीक है, और कुछ नहीं पूछ पाएंगे, आसान ओके। होता है इनका, बहुत टफ नहीं होता है। ठीक कोई वर्क फ्रॉम है, होम का कोई इशू नहीं होगा ना सर, नहीं, कोई इशू नहीं, अगर पहले जॉब हो? ले लो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहले तुम ओके। सिलेक्शन लिख और लो, सर हाँ, और एक बोल। क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेशन कितने बोलना चाहिए? एक्सपेक्टेशंस रेंज में बोलनी चाहिए, जो अगर स्पेशली सैनबियो की बात करूँ, सैनबियो जो है वो 3 के आसपास प्रोवाइड करता है, 3.2 भी दे सकता है, 3.6 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। ठीक है, तो बिटवीन 3 to 4 बोल सकते हो तुम, अगर एज अ फ्रेशर बोलना है ना, बोल दो सर, पहले तो बोल देना एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। ठीक है, अगर वो अभी वो फोर्सफुली एक लड़के को 30,000 दे रहे थे, ठीक है, वो लड़का आज मेरे पास आया भी था। ठीक है, हाँ तो क्या बोलते हैं, उसको हाँ 30,000 में हायर कर रहे थे, बोले आप आ जाओ, 30,000 आपको हम देते हैं, बट उसका करंट 30 था, तो उनके जाता। ठीक है, तो वो नहीं गया। ठीक है, तो क्या मतलब बोलते हैं, तुम नॉलेज है चाहो तो मतलब ये ना। ऐसा बोल सकते हो 3 to 4 lakh, अब उसके बीच में वो रेंज दे देंगे खुद ही वो। ठीक है, ठीक है सर, ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं विशाल का। यस विशाल बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी।
सर मैंने 2020-21 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, करेक्ट, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन का नॉलेज भी लिया और कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑन साइट काम भी किया था, और उसके बाद मैं एक सर्वे कंपनी में काम कर रहा हूँ। तकरीबन 2 साल हो गए मुझे उसमें करते हुए। करेक्ट, उसमें भी मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखे, ग्लोबल मैपर, GIS, गूगल अर्थ, और बहुत सारे सर्वे के बहुत सारे सब काम किया। ऑटोकैड भी मुझे आता है और रेविट का भी बेसिक नॉलेज है थोड़ा सा, बट मेरी जॉब रहती है 10 to 7। मुझे मेरे पे पहले से इंटरेस्ट है कि मुझे मॉडलिंग और डिजाइनिंग में करना है, तो 7 बजे तो से बारह मैं बजे तक कर उससे भी लो। रहता हूँ, तो मुझे तो ज्वाइन करना है। बट आपका जो टाइमिंग बता रहे हैं ना कि सुबह 8, 8:30 से 10 बजे का सुबह नहीं है भाई, इवनिंग में है। ट्यूनिंग में। इवनिंग में क्यों रखा हूं, मेरे पास सारे लोग तो जॉब वाले ही रहते हैं ज्यादातर ना, ठीक है। कोई हाँ जॉब में रहेगा या फिर किसी की जॉब लग जाएगी, तो मान लो कोई अगर फ्रेशर है, 2 महीने जॉब पढ़ाई कर लिया, अच्छा स्टूडेंट है, 2 महीने में जॉब लग गई, तो क्या क्या करेगा, ट्रेनिंग छोड़ देगा? नहीं, इवनिंग में हमारी नहीं सारी बैचेस इवनिंग में चलती है, इवनिंग 8:30 to 10। जो लाइव क्लासेस रहेगी या वो इवनिंग में इवनिंग रहेगी, इवनिंग में बाकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस तो हम तो उसको मैनिपुलेट कर लेंगे कभी, अपने अकॉर्डिंग। यस यस यस, तो इवनिंग में 8:30 से 10 मान लेते, तो मैच कर रहा है, क्या दिक्कत है। बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच हाँ, कर रहा इवनिंग में ही हम बैच करते हैं उधर, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर लोग साइट वाले लोग रहते हैं, अब वो साइट से आएंगे तब तो जॉब करेंगे, तब तो क्लास करेंगे ना। नहीं, मेरा काम तो सारा ऑफिस वाला होता है। टीम टीम जाती, सर्वे कलेक्ट करती, हाँ, मुझे रिपोर्ट बना के देनी होती, सर्वे में टोपोग्राफिकल सर्वे, कंटूर सर्वे, वो एनीथिंग वगैरह। देखो क्या होता है तो विशाल, कि कैरियर जो होता है ना, हमेशा उस इंडस्ट्री में बनाना चाहिए जिस इंडस्ट्री की यात्रा लंबी हो, समझे इस बात को, जी, जिसमें सीखने का अंत ना हो, वो तो प्रोफाइल हमेशा फाइनल आते होता है। शायद इसका नेटवर्क चला गया। तो गाइस, अगर हम ऐसे प्रोफाइल में जिसमें एक लंबा रूट है, मींस हाईवे पकड़ लियो आप, तो समझो आप लंबा जाओगे, बड़े पैकेज पे जाओगे, टेंशन नहीं रहेगा। मेरा कनेक्शन स्लो हो गया, यू लॉस्ट। चलिए जी, अचानक से गैस लाइट चला गया था, लाइट नहीं गया एक्चुअली, पता नहीं क्यों वाईफाई का कनेक्शन ऑफ हो गया। हाँ विशाल बोलो, फिर से बोलो विशाल, आवाज आ रही है विशाल, यस सर, आ रही है ना, बोलो। वही तो अल्टीमेटली गोल तो हमारा सैलरी और ग्रोथ ही होती है सर। तो करेक्ट, मैंने देखा कि इस फील्ड में सर्वे की टीम में मतलब करूंगा मैं सर्वे के, आज 3 टीम को मैनेज करने, कल 5 को करेंगे, और अल्टीमेटली ओवरऑल जो गोल होगा ना वो 4 to 5 लाख तक ही जाएगा। यस। बट अगर बड़ा गेम है, जैसे कि हम लोग बीम में, तो हम लोग केवल बीम मॉडलिंग अभी सीख रहे हैं, इसके बाद बीम का बहुत बड़ा एक और डिफाइन रहता है। बोलो बोलो। साथ में ये भी है कि सर जैसे अभी 3-4 टीम को मैनेज करना होता है, कल को मुझे खुद का बिजनेस और स्टार्टअप करना होगा, तो मुझे और भी टीम चाहिए। तो मैं सिर्फ सर्वे के बेसिस पे काम नहीं करना होगा, तो मुझे मॉडलिंग, डिजाइनिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, और जो बीम के आने, अब बड़े प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, तो किसी बड़ी छोटी कंपनियों के साथ टाई अप करके हम उनके कम से कम बीम वाले प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे, मतलब इस टाइप का यस शेड्यूल बनाना है कि आने वाले 4 से 5 साल बाद में एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा, बट हाँ उसमें बहुत गुरु बड़ा हमारे प्लान हेल्प में करना। रहेगा। हाँ, ऐसे नहीं करना, बट जैसे सर कि बिजनेस मुझे करना है तो बड़ा गेम। मतलब बोलो बोलो, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, हाँ बोलो, कुछ लोग कह रहे थे मतलब किसने कह दिया कि तुम एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकते, डिजाइनिंग का प्लस बट सर्वे का, एक ही तो व्यक्ति को अगर नॉलेज है तो सबका सर्वे कर सकता है ना। करवा सकते हैं ना। हाँ अगर तुमने तो इसमें भी हेल्प भी चाहिए होगी आपकी भी बाद में। अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो करते ही है, हमारे पास ऑलरेडी और उसके लिए पूरी टीम भी है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी काम को करो, ठीक है। तो मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे पिताजी ने बोला कि
कि पहले जाके उस बिजनेस का एक्सपीरियंस किसी से ले लो, उसके बाद उस बिजनेस को स्टार्ट करना। मुझे लगा इन छोटे मोटे कामों के लिए एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है, और फिर मैंने बिना एक्सपीरियंस से उस काम को किया। बिलीव नहीं करेंगे, जिस जिस स्पीड से किया था उसी स्पीड से गिर गया। ठीक है, तो आपको काम का काम करो ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट काम का नॉलेज होना चाहिए कि काम को करते कैसे हैं। ठीक है, फिर आप दूसरों से करा लोगे, नहीं तो मैं दूसरा बेवकूफ बना के निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ फरहान का। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर फटाफट आप हैंड रेस कर लीजिए। आई एम गुड, थैंक यू प्रियदर्शनी, क्या बोलते, बहुत दिन बाद प्रियदर्शनी तुम दिखे यार। ठीक है फरहान, यस फरहान बोलो। ठीक है चलिए, फरहान शायद बिजी है। मिस्टर जमाल, यस जमाल बोलिए, फिर सोहम कुलकर्णी जी अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बोलो सर, जमाल। अभी कुछ दिनों पहले हम आपसे बात किए हुए थे सर, कॉल अच्छा किए हुए थे आपको, वो ओके, व्यायाम क्लासेस स्टार्ट कब से हो रहे हैं उसी से रिलेटेड पंद्रह कुछ बात फरवरी से एट किए। थर्टी से टेन 15 फरवरी से 8:30 से 10 इसका सिलेबस रहेगा। ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, फिर रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, नेवी स्टोर, टिकला, थ्री डी में स्केचअप। अभी हमने माइक्रो स्टेशन ऐड कर दिया क्योंकि अभी माइक्रो स्टेशन काफी कंपनियां पूछ रही हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट बहुत ढेर सारे हैं तो अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, सिलेबस ग्रुप में भिजवा दे रहा हूँ। ठीक है, तुम ग्रुप में हो क्या, वो वाले फरवरी ग्रुप में? नहीं, उस ग्रुप में हम नहीं है, हमने आपको अच्छा, मेरे पर्सनली टीम, मैसेज किया हुआ आई था। थिंक, ओके ओके ठीक है, मेरी टीम से शायद कोई ज्वाइन नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ओके मैं ग्रुप तुमको लिंक भेज दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ये चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, लिंक ज्वाइन कर लो। सर, ठीक है चलो, ओके सर, थैंक ठीक है जी, यू एंड सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। सोहम कुलकर्णी जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हाँ सोहम बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था सर कि अभी मेरे को साइट का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो करेक्ट, बीम में अगर स्विच करूंगा तो मेरा जो अभी पैकेज है वो पैकेज मैच हो सकता है क्या उधर? ठीक है। अब देखो, इसका दो चीज रहता है उधर। अगर तुम्हारा जो सैलरी है, जो करंट सैलरी, वो 8 लाख 10 लाख के आसपास है तो नहीं मैच होगा। अगर तुम्हारा करंट सैलरी, ठीक है, ये मैंने एक ग्रुप लिंक भेज दिया गाइस, ज्वाइन कर लो, इसी में सिलेबस में भेज दूंगा। जिसके पास सिलेबस नहीं उनके लिए है, ठीक है, आप सिलेबस वगैरह इसी इसी ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि सारे ग्रुप में भेजना संभव नहीं है, मुझे भी नहीं पता चलेगा कौन से ग्रुप से आप जो ज्वाइन किया है। हाँ, तो सोम क्या होता है कि तुम्हारा जो सैलरी है वो 8 लाख 10 लाख है तो देखो नहीं मैच होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा सैलरी 5 लाख तक है, ठीक है, या फिर 5 लाख तक तुम काम करने के लिए रेडी हो, तो बीम के लिए, देखो साइट के लिए 5 लाख एक बहुत बड़ा पैकेज होता है, तुम्हें भी पता है, बट बीम के लिए बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। बीम की जो बड़ी कंपनियां हैं 4.8, 5.8, 5.2 का पैकेज दे देती हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि अगर तुम्हारा जो क्या बोलते हैं सैलरी है 5 के आसपास, तुम अगर रेडी हो तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो तुमको, अभी एक लड़का मुझे कल या परसों फोन किया था, पता नहीं शायद आप ही ना रहे हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं सर, मेरा इतना सैलरी है और मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं बीम में अपना करियर बना सकता हूँ? मैंने बोला जितना सैलरी आप अभी ले रहे हो 6 साल के एक्सपीरियंस पे, ये 1.5 साल के बीम एक्सपीरियंस वाले बंदे को मिल जाता है। हार्डली उनका 30 या 35 हजार का सैलरी थी। मैंने बोला ओके इतना अगर 6 साल आपने अगर बीम में दिया होता तो आज आप कहीं और होते। ठीक है, ओके तो मतलब टेंशन नहीं है, सैलरी मिल जाती है। मतलब इसमें सैलरी का मेन बेनिफिट पता क्या है? मेन बेनिफिट यह है कि जब फॉरेन के प्रोजेक्ट जो कंपनियां करती हैं, जो बढ़िया एजेंसीज है, ठीक है, उनके लिए ना सैलरी बहुत बड़ा मैटर ही नहीं रह जाता है, वो अच्छा पैकेज ही पे करती है। अभी मैं आज एक लड़के से डिस्कस कर रहा था रैमबॉल के लिए, तो रैमबॉल वगैरह में 8 लाख 6 लाख का एवरेज पैकेज है। ठीक है, एई कॉम है, रैमबॉल है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ओके ग्लोरी है, डब्ल्यूएसपी है, और क्या बोलते हैं पिनेकल है, ऐसे बहुत ढेर सारी कंपनी है। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, कलाम, शायद अभी पता नहीं ज्वाइन तो किया था कलाम। ठीक है, आप देखो है कि नहीं कलाम, इससे पता नहीं कलाम आ रही देर, ठीक है, शायद नहीं है। ठीक है, तो अभी कलाम है, कलाम डिप्लोमा होल्डर है, बट इसका पैकेज करेंटली 5 लाख के ऊपर है, एग्जैक्टली पता मुझे कितना है, 5.2 है कि 5.8 है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पैकेज है पिनेकल के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पिनेकल क्या एवरेज पैकेज है। ठीक है, ओके ठीक है, सर, और एक अभी जो गुरुकुल के जो हाईएस्ट पैकेज जो ज्वाइन हो गया है हाँ वो कितने का हो गया है, ऐसे कुछ बता सकते हैं सर? देखो कैसे होता है ना, कि पहले बात तो ये जान लो कि मैं बता दे रहा हूँ, पैकेज का कुछ नहीं है, लेकिन कभी भी ना इस पैकेज के झलावे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब बुरा मत मानना, बट कैसे होता है ना कि जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं इसका फायदा उठा लेते हैं सो। ठीक है, कैसे होता है, एक लड़के का 10 लाख लग गया, ठीक है, तो सबका लगना तो जरूरी सर नहीं है ना। एक्चुअली ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आप एवरेज पैकेज सिखाओगे बोलो, वो सर एवरेज पैकेज बोलो, एवरेज एवरेज पैकेज जो बोलो, एवरेज
जो आप सिखाओगे वो तो मैं कर लूंगा, हाँ इंटरव्यू में क्रैक कर लूंगा, वो मेरे ऊपर है। करेक्ट। लेकिन जो अभी का पैकेज है वो मैच होना भी जरूरी है सर, ऐसा नहीं कि पांच पूरे कम पांच देखो हो गया तो भी। देखो पैकेज जो होता है, पैकेज डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है, और आपके पोर्टफोलियो का लेवल क्या है, ठीक है। तो 5 लाख तक के पैकेज को तुम गेन कर सकते हो, लेकिन ये 5 लाख सबका नहीं रहता, फिर से बता दो, ये 5 लाख वो का रहता है जो 100% अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब वो 100% के रेशियो में तुम आते हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई 100% अपना डेडिकेशन दे रहा है तो 5 लाख बहुत नॉर्मल से पा सकता है 4.8 का पैकेज। लेकिन एक चीज मैं तुमको तुमको नहीं बता रहा हूँ, मैं सबके लिए बता, तुम तो चलो एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है। गाइस क्या करते हैं, जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, आप लोगों को भी कोई कॉल आते होंगे कि 2 लाख फीस है हमारी, 2.5 लाख फीस है, फिर उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा सा लाइन दिखाते होंगे कि हमारे यहाँ का ये लड़का इस कंपनी में, दार कंपनी में 16 लाख पे लग गया। भैया वो एक एक्सेप्शन है, उसका कितना एक्सपीरियंस है कुछ पता है क्या आपको? कुछ पता नहीं है, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, सबके लिए अवेयरनेस है कि आप किसी के ऐसे झलावे मत आइए कि हमारा मैक्सिमम ये है, हमारे यहाँ के लोग इतने पाते हैं। वो लिस्ट दे सकते हैं क्या, कितने लोगों ने पाया हुआ है? मैं लिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। ओके तो इस झलावे में हमें नहीं आना है। दूसरी चीज एक और पता है क्या होता है, मार्केटिंग लोग बोलते हैं, जो मैंने सुना हुआ है कि क्या बोलते हैं, ये इतना जो पैसा होता है, इतने पैसे में लोग क्या सिखाएंगे, जैसे कि अपनी फीस बहुत कम है कंपेयर टू जो भी लोग लेते हैं, 20,000 है उसका बस लेने का। इतना सा रीजन रहता है गाइस कि जॉबलेस पर्सन इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ लोग उसको जज करने लगते हैं क्वालिटी से, क्वालिटी अगर से अगर मैं पैसे ले लूंगा तो मैं एक्चुअली, पहली बात तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, हमें अपना बेस्ट देना होता है, तो आप क्वालिटी से किसी को पैसे से क्वालिटी मत जज करना, एटलीस्ट एजुकेशन में, ठीक है। दूसरी चीजों में करोगे तो अलग बात है, ठीक है। तो ये दो चार मार्केटिंग के लोगों, और मार्केटिंग लोग बोलेंगे आपको कि मैं आपको 8 लाख का पैकेज दिला दूंगा, सिर्फ फोन पे बात करेंगे इससे ऐसी, ठीक है। बट रियल में सबको 8 लाख का पैकेज नहीं मिल सकता है बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के, ठीक ओके है। okay. तो ये जरा था, हाँ ये जरूर है कि अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो 5 लाख पैकेज आप आ जाएंगे, ओके okay. सर ये टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा क्लास का? 4 to 5 month। ओके आफ्टर 4 to 5 month ही हम इंटरव्यू चालू कर सकते नहीं हैं या? नहीं आफ्टर 1.5 month, डेढ़ ओके महीने के बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, 2 महीने तक में आपको रिस्पॉन्स आने लगेंगे, ठीक है। ओके और तो मैं 1.5 महीना आपसे तो सिलेबस क्या क्या हो जाएगा सर, मतलब ऑटोकैड और रैबिट, ठीक है, उसके ऊपर रैबिट हम पूरा, इंटरव्यू यस, उसके ऊपर आप इंटरव्यू दे देंगे, उसके साथ जो और कंटेंट पूछे जाएंगे वो सब कंटेंट आप पढ़ा लेंगे 1.5 महीने में, इतना कि हाँ आपका, क्योंकि कैसा होता है, 1.5 महीने में आप अप्लाई करेंगे, 2 महीने बाद रिस्पॉन्स आएगा, तो 2 महीने तक में हम लोग काफी कवर कर जाते हैं, फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके थैंक सर, डिप्लोमा में बीम सैलरी की लिमिट होती है क्या? यू। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ एक टाइम के बाद थोड़ा सा रुकता जरूर है, ठीक है। जैसे कि एक लड़का है, ठीक है, उसका नाम है अमित भोर, ठीक है, बहुत बड़ी एक एमएनसी है पुणे की, ठीक है। तो गैस अपना जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही जेन्युइन है, पहले उन लोगों को बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर आपका करियर किसी और चीज से बन रहा है तो हम आपको वही गाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शादी की उसका जो पैकेज है वो अभी इस समय 12 लाख का पैकेज है, बट अब इसके ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। आप बोलोगे सर 12 लाख, तो भाई उसको 8 साल का एक्सपीरियंस है, ये मत सोचना कि कोई फ्रेशर जाके 12 लाख में लग गया है, ठीक है। तो अभी उसको 12 से अब उसको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, 13 पे जाएगा, 14 पे जाएगा, 15 पे, बट इट विल टेक द टाइम। तो अगर आप साथ में अगर डिग्री कर सकते हैं तो भविष्य में आपको बेनिफिट देगा शादी। हाँ ये जरूर है कि 5 6 7 8 तक तो आज जल्दी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पैकेज आपका, क्लियर है शादी? यस सर, डिग्री ओके ठीक है। यस क्या बोलते हैं, एक के क्वेश्चन, बाद सर लिमिट नहीं ना होता है? सॉरी डिग्री के बाद लिमिट नहीं होगा ना? नहीं डिग्री के बाद कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ डिग्री के बाद डिप्लोमा लिमिट, के बाद। हाँ डिग्री के बाद लिमिट क्यों? देखो डिप्लोमा को क्या होता है, डिप्लोमा को ज्यादातर मॉड्यूलर की प्रोफाइल पर रखते हैं, ठीक है। इनको अगर जैसे कि डिप्लोमा वाले हैं दिल पे मत लेना, लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं हायर प्रोफाइल दे दी तो जो डिग्री वाले होते हैं वो आपसे उस तरीके से थोड़ा सा ना ईर्ष्या की भावना होती है, कंपनी में मैं तो काम कर चुका हूँ ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप डिग्री होल्डर है तो डिग्री होल्डर की कोई लिमिट नहीं है, आप दवा के बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन इनका प्रियदर्शनी का ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं आंचल का। यस प्रियदर्शनी से सर एनी क्वेश्चन यू हैव? यस सर, यस आई एम आर्किटेक्चर डिग्री होल्डर एंड करेक्ट, हियर हियर आई फाइंड दैट द कोर्स यू आर प्रोवाइड इज स्पेशली फॉर सिविल,
बट आई वॉन्ट टू स्टिक इन आर्किटेक्चर फील्ड टू बी अ बीम आर्किटेक्ट. करेक्ट. सी एंड सेकेंड थिंग, सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज द टाइमिंग ऑफ क्लासेस एंड फ्रॉम इट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू संडे. दिस इज माई क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मंडे टू फ्राइडे. टाइमिंग इज इवनिंग 8:30 to 10. ओके, दैट दो बोथ आर क्लियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, लाइक हियर आर द सिविल इंजीनियर्स. नो, एक्चुअली बीम मॉड्यूलर, बीम टेक्नीशियन, बीम कोऑर्डिनेटर, सॉरी बीम मॉड्यूलर, बीम टेक्नीशियन एंड बीम आर्किटेक्ट, दैट वर्क इज रिलेटेड टू सिमिलर. ठीक है, तो वट वी आर गोइंग टू टूच टीच दैट इज बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ बीम मॉड्यूलर, बीम टेक्नीशियन और बीम आर्किटेक्ट. ठीक है, एंड देयर सिलेबस इज अप्रॉक्स टू बी सेम. ठीक है, तो वट एवर वी आर गोइंग टू टीच यू दैट वर्क फॉर द आर्किटेक्ट्स ऑल्सो, फॉर द मॉड्यूलर्स ऑल्सो, फॉर द टेक्नीशियंस ऑल्सो, इट्स लाइक दैट. बट इफ यू से कि सर ओनली सेव आर्किटेक्ट, नो, इज मिक्स. ठीक है, तो यू विल लर्न हियर द कॉलम्स ऑल्सो, यू विल लर्न हियर द रेनफोर्समेंट ऑल्सो, यू विल लर्न हियर द लाइक अबाउट द एमईपी ऑल्सो एंड स्ट्रक्चर्स ऑल्सो एंड आर्टिचर ऑल्सो, मिक्स यू विल लर्न हियर. एंड आई थिंक इट इज गुड फॉर यू. ठीक है, इफ यू गो इन फॉर द लॉन्ग टर्म्स, तो डेफिनेटली इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ रेविट आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर्स, रेविट एमईपी, यू हैव अ चांस टू बिकम अ बीम मैनेजर्स. ठीक है, रेदर देन बीम आर्किटेक्ट ओनली. ओके सर. ओके, चलेगा. नाउ आंचल, यू वांट टू से समथिंग? आंचल अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. सभी लोग अपना एक एक करके क्वेश्चन हैंड रेस करते हैं, उससे ही कोई दिक्कत नहीं. यस आंचल बोलिए. सर मैं नागपुर से बोलती हूँ, तो नागपुर में भी अच्छी कंपनीज आती है क्या बीम की? नागपुर की अभी एक कंपनी है बेस फोर रचना में. तुम कहाँ से हो? नागपुर. नहीं, नागपुर में कहाँ से हो? नागपुर में कावड़ा पेट शांति नगर. ठीक है, रचना पता है? रचना रिंग रोड. नो सर, ठीक है, आइडिया नहीं. ठीक है, ओके. क्या बोलते हैं, ओ हिंगना वाली रोड पे, हिंगना रोड सुना है? हाँ. ठीक है, वहां पर बेस फोर कंपनी है. ठीक है, वन क्लिक कंपनी है. ठीक है, टेक्सचर कंपनी है. ये सब बीम की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी. टेक्सचर्स तो बहुत अच्छी कंपनी है, टेक्सचर बहुत ज्यादा स्टाफ अपने हमारे गुरुकुल की है. ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं बेस फोर, बेस फोर का तो पैकेज ही 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख वाले पैकेज है. बेस फोर का लेवल ही बहुत हाई है. ठीक है, उसके अलावा वन क्लिक है, इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारी कंपनी, करीब करीब 13 या 14 कंपनियां हैं जो बीम के अंदर क्या बोलते हैं नागपुर में है. लगभग 53 कंपनीज हैं, लगभग नहीं गिन के 53 कंपनीज हैं पुणे के अंदर. मेरे पास लिस्ट भी है. ठीक है, लगभग 80 कंपनी के आसपास मुंबई के अंदर है. ठीक है, तो आई हैव अ लिस्ट फॉर दीज कंपनीज. और ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा वाला है, 300 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनका मैं आपको लिस्ट दूंगा, क्लास के अंदर ही देता हूँ. ठीक है, तो डेफिनेटली नागपुर के अंदर काफी डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं. चलो, आप कर सकते हो. कौन से कॉलेज से पास आउट हो? सर पास आउट नहीं, मेरा अभी 6 मंथ बाकी है. अच्छा सर, तुम्हारी मेरी इस कॉल पे बात हुई है क्या, प्रियदर्शनी कॉलेज से? हाँ सर, आपसे बात हुई थी, बट लास्ट ईयर बात हुई थी, तो मैं थर्ड ईयर में अच्छा थी. ओके, प्रियदर्शनी कॉलेज राइट. हाँ तुम्हारे के स्टाफ कुछ ऐसे हैं जो हमारे कहते हैं गुरुकुल की नहीं बोलूंगा, बट वीडियो लेक्चर्स की और ऑनलाइन बैचेस के भी हैं जो तुम्हारे यहाँ स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं. ठीक है, नाम नहीं लूंगा, तो तुम लोग बोलोगे कि चलो इंक्वायरी करते हैं. ठीक है, चलो. ठीक है, ओके. और कोई क्वेश्चन है सर? हेलो सर. ओके, ठीक है. यस फराज बोलिए. हेलो. यस फराज बोलिए. सर आगे चलकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का क्या डिमांड होगा सर इंडस्ट्री में? स्ट्रक्चर इंजीनियर का जी बहुत ज्यादा होगा. जिस हिसाब से हम लोग अत्याचार कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के तौर पे, सिटी को तोड़ने के तौर पे, जगह कम होती चली जा रही है. जी, और जैसे जैसे जगह कम होगा वैसे वैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, या फिर बोलो बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. अब बिल्डिंग्स हाई राइज बनेंगी. ठीक है, अब तुम नहीं देखते होगे कि कोई बिल्डिंग G+1 बन रही है. ठीक है, कॉमर्शियल वाली. ठीक है, कोई अपना जगह नहीं खराब करना चाह रहा है. तो जैसे जैसे जगह कम होगी, जगह कम हो ही रहा है, आप तो देख रहे हो कि किसी भी सिटी में देख लो, 15 किलोमीटर आउट, 15 किलोमीटर चारों डायरेक्शन में देख लो, सब जगह डेवलपमेंट चल रहा है, चल रहा है. ठीक है, और ये डेवलपमेंट जितना चलेगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर इंजीनियर की जॉब बढ़ेगी. तो स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल में कभी कमी आ नहीं सकती. सर एक स्टार्टिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, फ्रेशर के लिए क्या चीजें सीखना जरूरी है सर? स्टैट प्रो, ईटैप्स, ये सॉफ्टवेयर है. कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो SFD, BMD. ठीक है,
डिफ्लेक्शन निकालना, ठीक है, उसके बाद शियर वॉल के बारे में जानना, अर्थक्वेक के बारे में जानना, अर्थक्वेक को कैलकुलेट करना जानना, विंड के बारे में जानना, विंड को कैलकुलेट करना जानना, सेस्मिक जोन के बारे में जानना, टॉर्जन के बारे में जानना, ट्विस्टिंग मोमेंट जो उसके होते हैं, डायनेमिक एनालिसिस मतलब सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस के बारे में जानना, इसका पूरा लिस्ट है, अगर तुम लिस्ट लेना चाहो तो मैं भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो बहुत लंबा है, ठीक सर, है। ये स्टार्टर से डायरेक्ट टेक्ला यूज करना बेहतर होगा ना सर, स्टार्टिंग ही से टेक्ला से शुरू, नहीं स्टार्टिंग स्टार्ट प्रो से, स्टार्टिंग अगर स्टार्ट प्रो से यस, क्योंकि जब आप एनालिसिस कर लोगे तब आप उसकी रीडिंग करोगे ना, टिकला जो है वो रीडिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जी। जो स्टेट प्रो है वो एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, जब किसी चीज की एनालिसिस कर लोगे तब उसको डिटेलिंग करने में अच्छा लगेगा, समझ गए। स्टार्ट प्रो स्टूडेंट वर्जन बहुत दिक्कत हो रही है सर डाउनलोड करने में, स्टूडेंट वर्जन क्यों करना, क्रैक वर्जन कर लो, क्रैक वर्जन नहीं हो रहा सर, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब ओपन नहीं हो रहा, वो लाइसेंस पूछ रहा है। सबसे इजी वर्जन स्टेट प्रो का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, बेंटले 2018 आई शायद, मेरे से ले लो सेटअप, मेरे से लिया है क्या सेटअप, नहीं सर आपसे नहीं लिया मेरे से ले लो सेटअप, मैसेज कर दो मुझे, डीएम कर दो, और क्या बोलते हैं मैं तुमको भेज देता हूँ सेटअप, ऐसे बस क्लिक करना, इतना आसानी सॉल्व सर, कुछ करना ही नहीं, सेटअप पे क्लिक करो, नेक्स्ट 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 फिनिश, पैच पे क्लिक करो, एक फोटो आएगी, क्लिक करो, क्रैक खत्म, ठीक है, मुझे पिन कर दो, मैं तुमको भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा और वो सॉफ्टवेयर भेज दूंगा, कैसे इंस्टॉल करना वो भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे कर दूं सर या यस इंस्टाग्राम? ठीक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बस थोड़ा सा वक्त देना, ठीक है, है चलो ठीक है, थैंक यू ओके सर। जी, ओके जी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई चिराग जी का, ठीक है, चिराग के बाद ओमकार का क्वेश्चन लेते हैं, हेलो, गुड गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग चिराग, इवनिंग सर। जी सर, जैसे सॉन्ग से अभी बात आपने डिस्कस किया करेक्ट, कि आप एक सर्टन पैकेज के बाद स्विच करना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल है कि उतना पैकेज मिल पा रहा है। 5 लाख के ऊपर, सर्टेन नहीं, 5 लाख के ऊपर, जी अभी मेरा करंट पैकेज 6.5 है हाँ और 5 साल मतलब 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, करेक्ट, बट स्टार्टिंग से ही मैं डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहता था, बट थोड़े सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मैं नहीं जा पाया था। करेक्ट, बट अभी क्या जॉब को कंटिन्यू रखते हुए हाँ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं क्या एक कोर्स सीखने के बाद? फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा फ्रीलांसिंग करने से अच्छा है कि तुम एक कदम पीछे आके जॉब को स्टार्ट कर दो इस सेक्टर में, मतलब क्लास करते करते तुम सीख लो, ठीक है, सीखने के बाद अगर तुम्हारा 6.5 है, ठीक है, अगर तुम 5 पे आ भी जाती हो, 5.2 पे आ भी जाती हो, कितना कम पड़ रहा है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा, और थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है, एक कदम पीछे लिया मतलब हम पीछे हार थोड़ी गए, मतलब अब लंबी उड़ान मारनी है, ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बेसिकली इवन मैं फ्रीलांसिंग के बारे में सिखाता भी हूँ, बट साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि पहले एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा ओके कि पहले आप जॉब करो, ठीक है, जॉब आपको मिल जाएगी 5.2, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो 5.8 भी जा सकते हैं, लेकिन अब ये मत कहिएगा कि सर 5.8 ही मिलेगा, नहीं, ठीक है, मैं कोई मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हूँ, मैं केवल टीचर हूँ, साधारण सा टीचर, ठीक है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ओके तो क्या बोलते हैं फाइव गॉट पॉइंट हाँ नहीं, मैं बहुत क्लियर करना जरूरी होता है, क्या होता है लोग वो गेस करने लगते हैं, यार इतना ही नहीं मिला भैया, जो यार, रियलिटी है, लोग एजेंट मना लेते हैं कि इतना तो हाँ मिलना ही चाहिए या इतना तो और मिलेगा ही। हाँ, वो मतलब माइंड में कैसे होता है, जैसे कि तुम्हारा माइंड बना हुआ है कि मुझे पैकेज मिले 3.6 या 4 का, मिल गया 6 का, मजा आ जाता है, ठीक है, सब गेम माइंड का है, लेकिन अगर तुम्हारा एम है 6 का और मिल गया 5.2, तुम ना खुश हो जाते हो, होता वो है ना, मोटिवेशन भी नहीं रहता काम करने के यस लिए। यस, तो मेरा मानना है बोलो कम करो ज्यादा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग गुरुकुल में भी बहुत बड़े बड़े किसी से हम कभी किसी से वादा नहीं करते गाइस, और नहीं मैं बोलूंगा कि आप जॉब पा जाओगे, नहीं पाओगे जब तक मेहनत नहीं करोगे, 80% के नीचे आपका अटेंडेंस है, आप सोचो इतना क्लियर क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कि आप फालतू के ड्रीम से बाहर आ जाओ, रियलिटी में आ जाओ, मेहनत करो, और यार सीधी सीधी बात है, एक लड़का मुझे बोलता है, हमारा बड़ा अच्छा स्टूडेंट, उसका पॉडकास्ट था, तो वो बोलता है कि सर मैं इतना तैयारी कर चुका था बीम का, अपने गुरुकुल का ही है, बोला कि सर अगर अब कंपनी अगर मुझे नहीं हायर करेगी तो कंपनी का घाटा है, मेरा घाटा नहीं है, मुझे उस लाइन ने बहुत मोटिवेशन दिया, कितना अच्छा बोला ना उसने, मतलब अपनी तैयारी इस लेवल सही पे कि कंपनी ना हायर करे तो उसका घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत मन लगा के सिखाता हूँ एज ए टीचर, ठीक है, बाकी करना आप ही को है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ ये बताना है कि करना कैसे,
ठीक है, बट हाँ जो मैं पाथ दूंगा उस पाथ को फॉलो करोगे तो अच्छा पैकेज पा जाओगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, सर, कोर्स पूरा होने पर सर्टिफिकेट मिलेगा या? यस यस, आपको मिलेगा भाई सर्टिफिकेट, आपको एमएससीबी अप्रूव मिलेगा, हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल भी मिलेगा, 6 मंथ का इंटर्नशिप भी मिलेगा, इंटर्नशिप लेटर भी मिलेगा, ठीक है, पूरा सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। क्लियर, सारे सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, सारे पीडीएफ भी मिलेंगे, सारे लाइव प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, पोर्टफोलियो भी बताऊंगा कैसे करना है, कवर लेटर भी बताऊंगा, अप्लाई कैसे करना है, फ्रीलांसिंग कैसे करना है, इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस, कैड इंटरव्यू की प्रैक्टिस, रिटन इंटरव्यू की प्रैक्टिस, सभी तरीके के इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन। बेसिकली अगर बोलूँ तो गुरुकुल जो है इसका मेन फोकस ही है इंटरव्यू को क्रैक करना। ठीक है, हमारा फोकस मेन रहता है इंटरव्यू में। अगर इंटरव्यू में कुछ नया पूछ रहे हैं हम तुरंत उसको क्लास सिलेबस में ऐड कर लेंगे। सिलेबस मतलब मैं वो कागज के पन्नों पे बिलीव नहीं करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर कुछ मुझे लगा कि ये चीज कंपनी नया पूछ रही है मैं उसको ऐड कर दूंगा एट अ टाइम। ठीक है सर, सॉफ्टवेयर क्रैक करने पर, डाउनलोड करने पर हमेशा क्लियर रहेंगे कि आप फिर यस से? यस, हमेशा के लिए रहेंगे वो तो, हमेशा के लिए ही रहते हैं, कोई मैं नया नहीं कर रहा हूँ। ठीक है चलो, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ओमकार जी का। यस ओमकार बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं पुणे से हूँ और हाँ सर मैं अभी फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग में हूँ। ग्रेट, सर मैंने ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप और एनस्केप सीखा है करेक्ट, और सर उसका पोर्टफोलियो भी बनाया है, तो बहुत सर मैं बढ़िया। अभी अप्लाई करना स्टार्ट करूँ क्या या डिग्री तक वेट करूँ? डिग्री तक वेट करो, ठीक है, डिग्री तक वेट करो, पहले अच्छे से एग्जाम दो, डिग्री का वेट मत करो, अच्छे से एग्जाम दो फाइनल ईयर का, ठीक है, और एग्जाम होने के बाद अप्लाई करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी अप्लाई करने में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बल्कि अभी फायदा है कि अभी और डेवलप करो खुद को। ठीक है, अगर तुम्हारा ओके सर। पोर्टफोलियो अभी 10 में से 5 नंबर पाने लायक है तो उसको 8 लेके जाओ, ये काम करो। कम्युनिकेशन तुम्हारा 10 में से अगर 6 नंबर तुमको कम्युनिकेशन पे मिल रहा है तुम सोचो 9 कैसे लेके जाओ, इस पे काम करो अभी। ठीक है, ओके मेरा मतलब कैसे सर। अपने आप को और मजबूत सर, बनाओ, बोलो बोलो। थैंक यू, आपने दिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में बहुत मदद की मेरी, मैंने अच्छा मुझे याद नहीं है बट थैंक यू। कॉल किया था अभी। अच्छा हाँ थैंक नहीं यू मैं सर। कर देता हूँ, अभी आज भी कई लोगों का किया। ठीक है, अभी देखो अपने हाथ में यही है, मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको सिखाना। ठीक है, अभी हाँ अभी सर, अभी मैं निखिल आया 2-3 दिन हुआ। से ट्राई कर रहा था और आपने हाँ मदद कर दी, फिर बहुत अच्छा लगा, अच्छा, हो गया वो प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे याद नहीं है बट थैंक यू। ठीक है, और अभी जैसे निखिल आया था, निखिल जगताप अभी आया हुआ, देखिए आप जस्ट मैं देख रहा हूँ, तो अभी आया था, तो अभी हम लोग सुबह सुबह इसके साथ हम गए चाय पीने के लिए, थोड़ा बहुत इसको गाइड कर दिया, ऊपर वाला चाहेगा तो इसको जल्दी से जॉब लग जाएगा, इसको कुछ नोट्स वगैरह भेज देने वाला हूँ और इसका लग जाता है तो अच्छा है ना, तो एक तरीके से ये तो मेरा काम है, कोई मैं नया काम नहीं किया हूँ, फिर भी थैंक यू। ओके ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और का बचा है क्या गाइस? हैंड रेज करिए फटाफट, हैंड रेस करिए, किसी का कोई क्वेश्चन बचा है? नहीं बचा है, ठीक है। बेसिकली अगर आप फोकस हैं गाइस तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे है, सही जेन्युइन जगह पे है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपसे ओवर वाली बात नहीं की जाएगी, जो रियल है, जो प्रैक्टिकल बेसिस पर पॉसिबल है वो आपको मैं पूरा गाइड करूंगा। 4 महीने पूरी तरीके से आपके साथ रहूंगा और आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है सब बताऊंगा, सबका टेस्ट भी लूंगा, थोड़ा डांटूंगा भी, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए। हमें बहुत खुशी होती है जब किसी का पैकेज बहुत अच्छा लगता है, बिलीव करिए उसमें मेरा पूरा दिन बन जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि आज कुछ अच्छा खुद कर लिया। ठीक है, आपके पैकेज से मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए बट वो सक्सेस मुझे भी दिखती है कि मेरे थोड़े से कुछ परिश्रम से कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, तो इसी मन के साथ मैं पूरे क्लासेस को लेता हूँ गाइस। ठीक है, और शायद इसीलिए आप लोग क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा प्यार भी करते हैं कि बैच लॉन्च होती है उसके बाद अपने आप बैच ही फुल हो जाती है। ठीक है, आंचल कुछ बोलना चाह रही है, अपने माइक ऑन किया था, बोलिए आंचल। सर डाउट क्लियरिंग सेशंस कब होते हैं आपकी क्लासेस में, ठीक है, रेगुलर बेसिस और पे चाहिए? रेगुलर मतलब 3 घंटे, ये 1.5 घंटे का सेशन होता है, 1.5 घंटे में 30 मिनट्स में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 30 मिनट में डेली आपका असाइनमेंट चेक करता हूँ, डेली आपने क्या बनाया, और लास्ट का 30 मिनट आपका होता है, आपने वीडियो लेक्चर्स में जो पढ़ा पूछी, जो भी डाउट से पूछी, लेकिन डाउट्स मैं उन्हीं को बताता हूँ, ये भी क्लियर कर दूँ, उन्हीं को बताता हूँ जो प्रैक्टिस करके आते हैं। ठीक है, अगर कोई खुद से डाउट क्रिएट करेगा मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है, सीधे मना अभी से बता दे रहा हूँ सबको, क्यों, क्योंकि खुद से क्रिएट करना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बुक पढ़ ली है, पढ़ने के बाद मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगे ना, आपने मेहनत किया हुआ है। ठीक है, तो हम सिर्फ मेहनत करने वालों की ही मदद करते हैं। चलो, आज मैंने बुक लाई है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी,
पीडीएफ पढ़ा नहीं, साथ लिए क्या, तो देखते हैं कैसी है। चलो और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, इस चार मीटिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, और आएगा भी तो हम होने नहीं देंगे दिक्कत। और सबसे बड़ी बात क्या होता है गाइस, आप लोग ना क्वेश्चंस को पुटअप किया करो। एक एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसे उसने मुझसे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन बार बार पूछा, तो मैंने उसको बोला कि तुम क्लास में पूछो, तो उसने बोला सर हमें हेजिटेशन फील होता है कि हम क्लास में कैसे बोले, कभी भी ये हेजिटेशन अपने अंदर मत आने देना, ठीक है, आप गुरुकुल में आओ या ना आओ मैटर नहीं करता, कहीं पर भी रहो अपनी आवाज को किसी पीछे मत रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने पास, ठीक है, कि मैं पूछना है मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने पूछा। जैसे कि देखो अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर शुभम का, ठीक है, इन्होंने बोला सर प्लीज, ओके मैं कोशिश करता हूँ बता देता हूँ, इन्होंने बोला सर हेलो सर राइट नाउ आई एम टेक स्ट्रक्चर्स ग्रेजुएट इन लिटिल कंफ्यूज दैट फॉर द ओन फर्म्स आई शुड गो फॉर द बीम और स्ट्रक्चर्स एंड आई एम फ्रॉम द छत्तीसगढ़ इज देर इज एनी फॉर्म्स और फॉर द बी आई एम हेयर। नहीं छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर बी आई एम की फॉर्म तो नहीं होंगी फिलहाल जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बता दो कि अगर आप क्या बोलते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा एक बहुत छोटा सा सजेशन बट बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये रहेगा कि कम से कम पहले तो आप बीम सीखिए, फिर आप स्ट्रक्चर सीखिए, मतलब फोकस, बीम को सीखा स्ट्रक्चर को सीखा, इसको सीखने के बाद फिर आप कम से कम 1 से 1.5 साल जॉब करिए, ठीक है, जॉब क्यों करना होता है, जॉब से पहली बात कॉन्फिडेंस आता है, जॉब से जो गलतियां हम करने वाले हैं वो गलतियां हम दूसरों के पैसे से पैसा लेते हुए करके सीख लेते हैं। मैं जो भी गलतियां अपने क्या बोलते हैं ऑफिस टाइम में किया था, उन गलतियों को अब रिविजन करने की जरूरत नहीं है, बस अब मेरा ये माइंडसेट होना चाहिए कि एक बार गलती किया हूं दोबारा नहीं करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि आप पहले कुछ दिन के लिए जॉब करिए शुभम, ठीक है, और जॉब करके सीखिए, जॉब में बहुत सी चीजें रहती है जिनको आपको सीखना पड़ता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसके बाद आप उन वर्क करिए, ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है कि क्या बोलते हैं डिफरेंस क्या बोलते हैं सर आई लर्न बीम फ्रॉम लास्ट 6 मंथ फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बट नो प्लेसमेंट आर देयर, ठीक है, आपने जहां से भी सीखा होगा, ठीक है, सीखना अगर उन्होंने सिखा दिया पहली बार तो हाँ ये भी एक बड़ा बहुत अच्छी चीज क्वेश्चन पूछ लिया, कोई प्लेसमेंट नहीं दिलाता है, ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो आप तुरंत हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आप खुद को काबिल बनाइए और कंपनी में अपने आप को प्रेजेंट करिए, आप अगर अभी कॉन्फिडेंस है तो आप माइक ऑन करिए, मैं आपको 2 मिनट में इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है, और फिर आपको मैं तब बताऊंगा कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है, तो ये मत सोचो कि किसी प्लेटफॉर्म ने, कोई प्लेटफॉर्म होगा, मैं किसी प्लेटफॉर्म की बुराई तो करता नहीं पहली बात, दूसरी चीज प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं है, प्लेटफॉर्म ने आपको सिखा दिया, ठीक है, हाँ चूज करते समय प्लेटफॉर्म में आपकी गलती हो सकती है वो एक अलग मैटर है, बट प्लेटफॉर्म का काम है आपको सिखाना, प्लेटफॉर्म का काम नहीं है कि आपको सेलेक्ट कराना, सेलेक्ट कराने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या होता है मार्केटिंग वाले लोग जो होते हैं जो एमबीए एमबीए किए रहते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस से, जिनका 8 लाख का पैकेज होता है सिर्फ झूठ बोलने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको बहुत फंसा देते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि आपको, हमारे घर के बच्चों को भी पढ़ाते हैं सिखाते हैं, क्या करते हैं वो लोग बोलेंगे कि आप ये कर लो आपको 1 लाख का पैकेज मिल जाएगा, इनको इतना मिला इतना मिला, वो ये चीज नहीं बोलते हैं कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप अगर सीख चुके हो, क्या बीम के वर्कफ्लो के बारे में जान रहे हो, क्या आप बीईपी के बारे में जान रहे हो, क्या आप एलओडी के बारे में जान रहे हो, क्या आप 6D के बारे में जान रहे हो, इस तरीके से लाखों टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट जॉब के लिए तो मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, लगभग उसमें 70 टॉपिक्स है, उन 70 टॉपिक्स का डिटेल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है, उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं चेकलिस्ट, क्या आप एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल है तो कोई क्यों नहीं रखेगा, और एलिजिबल नहीं है तो कंपनी क्या कर लेगी, या फिर वो ट्रेनिंग कंपनी जिसने भी सिखाया वो क्या कर लेगी, उसके कुछ औकात नहीं है, मैं किसी को बोलूं कि रख लो भाई मेरे एम्प्लॉई को, कैसे रख लेगा, मेरे रिश्तेदार थोड़ी है, और रिश्तेदार भी होगा तो बोलेगा आए क्यों रखना, सीधी सी बात है। और अगर मैं किसी ऐसे बंदे को भेज रहा हूं जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है, मेरे से ज्यादा उसको खुशी होगी, आपको लगता है कि मेरा सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है गाइस, उस कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है आपसे, कोई कंपनी अगर आपको 50,000 दे रही है तो ये फिक्स मान लीजिए कि आपसे 5 लाख का काम ले रही है, तो ये मत सोचिए कंपनी एहसान कर रही है, 4.5 लाख का प्रॉफिट बुक कर रही है आपसे, आप एक टूल हो, ठीक है, जिस टूल से वो क्या बोलते हैं 50,000 दे के 4.5 लाख का बेनिफिट कर रही है। कभी भी कोई कंपनी 10% से ज्यादा सैलरी किसी को नहीं देती है, बेसिकली 5% ही देना प्रीफर करती है, ठीक है, तो अगर आप 1 लाख का काम कर रहे हो तो फिर वो कोशिश करेंगे कि आपको 5,000 रुपये दिया जाए,
आप 5 लाख का काम करो तो कोशिश करेंगे 25 हजार दिया जाए, ये कंपनी का माइंडसेट होता है। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बोल रहे कि सर बट इन शॉर्ट दे कंप्लीट इन द 3 मंथ्स दैट आई एम लर्निंग मोस्टली फ्रॉम द ओके रिकॉर्डेड दैट बट आई शुड लर्न द बीम स्ट्रक्चर्स वर्क टुगेदर, आई शुड लर्न द बीम वर्क देन लर्न द स्ट्रक्चर वन फ्यू मंथ। एक साथ सीखना संभव तो ऐसे नहीं है प्रैक्टिकल बेसिस पे, ठीक है, आपको अगर सिखाया किसी ने तो गलत सिखाया है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस लगती है बीम में। ठीक है, यहाँ पर कई लोग हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर करके थक गए हो, कई तो ऐसे लोग हैं अभी अभिषेक हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पर, गौरव है, ठीक है, इन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, तो भाई प्रैक्टिस लगती, अगर एक साथ सीख रहे हो तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, मैं तो ये बोलूँगा, बाकी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बस इतना बोल सकता हूँ अगर आप आए 5 घंटा अपना टाइम देने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको सिखाने के लिए परफेक्ट हूँ, मैं आपको परफेक्ट करके भेजूंगा, चाहे जिस तरीके से, चाहे चिल्ला के, चाहे डांट के, चाहे इंटरव्यू ले के, चाहे प्यार से, हर तरीके से कोशिश करूंगा कि आप परफेक्ट हो जाए। आप सोच रहे हो कि परफेक्ट होने में केवल आपका फायदा है, बहुत गलत सोच रहे हो, आपके परफेक्ट होने में हमारा बहुत बड़ा फायदा है। अब बोलो सर आपका क्या फायदा है, ठीक है, तो मेरा बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप जब किसी कंपनी में जाते हो तो आप हमें रिप्रेजेंट करते हो, हमें मतलब मुझे नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिपीट करते हो कि इस प्लेटफॉर्म से मैं सीख के यहाँ पर आया हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, जैसे ही आप जॉब पे लगते हो और एक हैंडसम सैलरी आपके पास आती है, 4 लोग आपसे पूछते हैं कि भैया कहाँ से सीखा, ठीक है, और उन 4 लोगों से, ठीक है, क्या बोलते कि वजह से मेरे पास और लोग आते हैं और मेरे से कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछते, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि सर ने अगर किसी ने रेफरेंस, जैसे कि अगर आप अपने भाई को, अपने मामा के लड़के को या फिर अपने किसी दोस्त को बोलोगे कि भैया जाके आप आकर सर से सीखो, वो मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते वो बच्चे, ठीक हो, क्या पूछेंगे सर बैच कब से स्टार्ट है, आके चुपचाप ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस से उनको भरोसा हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ मैं आपका बेनिफिट कर रहा हूँ तो गलत है, इसमें मेरा भी बेनिफिट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सभी बड़ा होगा जब हम आपके लिए बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं केवल 80% के ऊपर अटेंडेंस करने वालों को ही सर्टिफिकेट देना प्रीफर करता हूँ और उन्हीं को स्टूडेंट मानता हूँ। अगर कोई ऐसा है कि उसके नीचे है, मतलब कभी कभी क्लास में आया हुआ गेस्ट टाइप का, अगर वो बोले मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं मना कर देता हूँ, नहीं हूँ, अभी भी क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं हूँ। तो मैं इस तरीके से क्लियर बातें क्यों करता हूँ गाइस, क्योंकि किसी को गलत हो ना हो, मेहनत से ही सफलता मिलती है, चाहे मेरे से सीखो या कहीं और से सीखो या फिर क्या बोलते हैं यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है, ठीक है, बट मेहनत लगता है दोस्त, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे क्या होता है, थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि कैसे, कब और क्या चीज सीखें, बस इसके लिए आप हमारे पास आते हो, बट हाँ इसके लिए हम सफिशियंट है, ये भी हमें लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई सर एमटेक स्ट्रक्चर्स पास आउट हो जस्ट नाउ, बहुत अच्छी बात है, अगर आप एमटेक स्ट्रक्चर्स और अच्छा नॉलेज है, ठीक है, तो अच्छा नॉलेज है तो क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी करियर बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, आप स्ट्रक्चर्स में भी करियर बनाइए, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किसी भी करियर को ना गाइस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर्स में बिलीव करिए गो फॉर दैट, इंटरेस्ट है बीआईएम में तो आप बिल्कुल बीआईएम में करिए, क्योंकि जब इंटरेस्टिंग काम करते हो अभी आपको उस चीज का अंदाजा नहीं मिलेगा, इतना मजा आता है, आप टाइम नहीं देखते हो, ठीक है, आप ये नहीं सोचते हो कितना घंटा हो गया कितना मिनट हो गया, क्योंकि आप उस काम को एंजॉय करते हो। बोरिंग काम को करोगे बिलीव करो एक एक घंटा ऐसा लगता है क्या कर रहा हूँ, कुछ समय के बाद आदमी एक कंडीशन में आ जाता है जो कंडीशन फ्रस्ट्रेशन का नाम लेती है, तो इसीलिए करियर हमेशा चूज करना है तो क्या बोलते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए अभी समाप्त करता हूँ और एक बहुत छोटी चीज करना चाहूंगा, आप बहुत छोटी सी चीज सर्च कर रहे हो दुनिया की, वो है एक जॉब, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जॉब बहुत एक छोटी सी चीज है, इसका फी रहता है क्या बोलते हैं, वैसे मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके बताएगी बेसिकली, लेकिन फिर भी आपका जो, अच्छा वो ग्रुप का लिंक मैं फिर से दे दे रहा हूँ, अगर कोई ज्वाइन नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है, तो आपको कॉल आ जाएगा, बाकी इसका फी रहता है 20,000, जिसको क्या बोलते हैं, ओके सीओ का आपको कोई क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, कल था प्रदर्शनी, चलो उसके बारे में बताता हूँ, कल था इल्मेनी का कल क्लास था, ठीक है, फिलहाल फी रहता है 20,000, जिसको आप पार्ट वगैरह में भी कर सकते हो, 5,000 करके वन टाइम में भी कर सकते हो, जैसे आपको इच्छा करे, और फी को पे करने का क्या प्रोसेस है वो आपको कल कॉल के थ्रू या फिर शायद ग्रुप के अंदर ही मैसेज आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, आप करके, ठीक है, आप माइंड सेट को रेडी कर लीजिए सर, और सब कुछ बता देंगे वो लोग। हाँ जी हाँ, चल बोलो, AI फ्यूचर में बीम को इफेक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल करेगा इफेक्ट, ठीक है, बीम को और स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, अच्छा हाँ, टेक्नोलॉजी हमेशा क्या करती है, चीजों को स्ट्रॉन्ग करती है,
ठीक है, अगर हम टाइपराइटर के बाद कीबोर्ड पाए हैं माउस का, तो ये स्ट्रॉन्ग किया ना टाइपराइटिंग की स्पीड को, उसके बाद कितने कंटेंट राइटर की जॉब निकली, है ना। न्यू टेक्नोलॉजी को जब एडॉप्ट कर लेंगे तो क्या करेगा, वो हमें बेनिफिट देगा, ठीक है। जब मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल था, इससे पहले मेरे पास कीबोर्ड था, कीबोर्ड से जब मैं इसमें आया काफी फीचर मुझे एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। फिर इसके बाद जब मैं इसको क्या बोलते हैं एक आईफोन लिया, इसमें और फीचर मिल गए, ठीक है। तो हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा आपके करियर को बूस्ट करने में, बट उनको जो डेवलप करने के लिए रेडी रहेंगे, समझ गए। और अगर हम डेवलप करने के लिए रेडी नहीं है, वो कीबोर्ड में ही रह जाते, तो फिर ये मेरे लिए नुकसानदेह होता, क्योंकि मैं चला ही नहीं पाता ना, ठीक है। तो हमेशा जो भी टेक्नोलॉजी आता है या फिर आएगा, हमेशा उसको आने देना चाहिए और उसको एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। बट ये जान लो कि क्रिएटिविटी को कभी भी कोई क्या बोलते हैं ऑटोमेशन उसको खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसमें हमें, हाँ उसमें हेल्प करेगा, लेकिन आपको जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी उनको, जो लोग एडॉप्ट करते जाएंगे किसी चीज को, ठीक है। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि सीएम ठाकुर बोल रहे हैं सर बिटवीन ऑल इन वन कोर्स एंड वीएम कोर्स एंड ओके डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बेसिकली ये रहता है सीएम ठाकुर कि क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका जो वीएम का वीडियो कोर्स या फिर ऑल इन वन का है, इसमें भी इस गुरुकुल में भी वीएम का वीडियो कोर्स आप पढ़ते हो। फिर आप बोलोगे सर फिर गुरुकुल क्यों, तो गुरुकुल में क्या होता है कि आप मेरे गाइडेंस में पढ़ते हो कि आज आपको क्या पढ़ना है क्या प्रैक्टिस करना है। गुरुकुल में आप पढ़ते हो कि किस कंपनी में क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, आपने वर्क किया कुछ गलती है क्या उसमें, गलती है तो हम डेली आपकी गलती को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास एक प्रेशर रहता है कि सर के पास मुझे 8:30 बजे पहुंचना है, तो काम करके पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, लोग जैसे वीडियो कोर्स ले लेते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि आज मैंने ये क्या बोलते हैं तीन किताबें खरीदी, तीन क्या चार किताबें खरीदी, ठीक है। एक किताब मैंने खरीदी जो इंडिया के बेस्ट पर्सनालिटीज है उनके ऊपर, एक किताब हमने खरीदी है द पावर ऑफ हैबिट्स के ऊपर, एक किताब ये खरीदी हुई है मैंने माइंडसेट के ऊपर, एक किताब खरीदा हुआ है ये योगी की, ठीक है। अब देखो चार किताबें खरीदी हुई मैंने, बट ये फिक्स है कि मैं चारों किताबों को नहीं पढ़ूंगा। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि मेरे पास पीयर प्रेशर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने मन से पढ़ूंगा, ठीक है, फिलहाल मेरी हॉबी है बुक पढ़ना, तो मैं तो पढ़ूंगा। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, किताब खरीद कर रख देते हैं, यही चीज वीडियो कोर्स में होता है। इसी चीज का अगर एग्जाम हो, ठीक है, आज से एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा कैसे भी करके खत्म करूंगा इसको। एग्जाम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मन किया तो एक किताब जो उसमें से फेवरेट लग रही है वो वाली पढ़ूंगा, उसके बाद रख दूंगा और किताब को, ठीक है। ऐसे आप देख सी सबके साथ ऐसा होता होगा। तो गुरुकुल के अंदर बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पर आपको आज लेक्चर वन पढ़ के ही आना है, क्योंकि क्लास में आपकी बेइज्जती भी होगी नहीं पढ़ के आओगे, पूछूंगा आपसे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये ऑफलाइन के लिए बोल रहे हैं, आज कई लोग 2-3 लोग मुझे ऑफलाइन के लिए बोल रहे हैं। ऑफलाइन में एक दिक्कत क्या है कि ऑफलाइन में दिक्कत ये है कि कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है, और मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन ना जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन क्लास सॉरी ऑफलाइन क्लास करते हैं, सेम कंटेंट का फी आपको लगभग 80,000 पड़ जाएगा। आप बोलोगे सर आप इतना फीस क्यों लेंगे, सही बात है, लेकिन मैं क्या करूँगी, पुणे एक लोकेशन जो है बहुत ही कॉस्टली लोकेशन है, यहाँ पर चेयर जो रेंट होता है वो 10,000 होता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि 80,000 1 लाख का मैं फी आपसे लूँ। सेम कंटेंट उससे बेहतर तरीके से आप अपने घर से पा जा रहे हो, कल को आपकी जॉब लग जाती है, क्योंकि मैं जो बेसिकली क्लासेस लेता हूँ एक्सपीरियंस लोगों के लेता हूँ, उनके जो ऑफिस होते हैं अब वो ऑफिस तो 7 बजे तक 6 बजे तक ऑफिस होते हैं, इसके बाद क्लास चलती है। अब मेरी लास्ट बैच 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है, कभी कभी 12 बज जाता है। अब 12 बजे तक मैं कौन से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ, ठीक है, 12 बजे तक मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकता हूँ। बट ऑनलाइन में क्या दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में बैठे हो आराम से जॉब करके आए और आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन में मैं दिन में क्लासेस लूंगा, बेसिकली अगर आपका 2 महीने बाद 1 महीने बाद कहीं जॉब लग जाता है, फिर आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप किस समय पर मेरे पास आओगे। इस तरीके से बहुत ढेर सारे अड़चनों को कैलकुलेट करने के बाद ये पता चला कि ऑनलाइन इज द बेस्ट। यहाँ पर आपकी क्लास का 5-10 मिनट छूट भी गया तो उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग जो मिल रही है वो भी आप घर से वॉच करके आ रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही है आप स्क्रीन शेयर कर ले रहे हो, कोई किसी भी तरह के प्रॉब्लम ही नहीं है, और आपकी फी भी बच रहे हैं, ठीक। इसलिए ऑनलाइन ही मैं प्रीफर करूंगा आगे भी, एटलीस्ट जब तक कि लोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाएंगे, नहीं सर ऑफलाइन ही चाहिए, ऑफलाइन अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग,
कई चीजों को बोल सकते हो कि आप अच्छा है, बट मेरा जो कॉन्सेप्ट कहेगा वो यही कहेगा कि आप अगर कहीं दूर लोकेशन पे हो, दिल्ली में हो, दिल्ली से आप पूना आओगे, 10,000 रुपये पर महीने का कम से कम यहाँ खर्चा है सरवाइव करने के लिए। अब किसी के लिए हो सकता है बड़ी बात न हो 10,000, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, है और रहेगी भी। तो 10,000 रुपये मैं स्पेंड आपसे नहीं करने के लिए बोलूंगा। 10,000 रुपये अगर आप ऑफलाइन करेंगे सेम कंटेंट, 6 महीने लगेगा, 60,000 रुपये आपके जाएंगे सिर्फ जीवन को जीने में, ठीक है। उस 60,000 के बाद आप कम से कम 1,80,000 रुपये हमें दोगे, तो आपके 1,60,000 रुपये चले जाएंगे। और 1,60,000 जाने के बाद भी जॉब की कोई गारंटी तो है नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ और न दूंगा, ठीक है। आपने अच्छे से नहीं सीखा, आप डेटिंग वोटिंग करने लगे, मैं क्या करूंगा, किसके किसके पीछे बैठा रहूंगा मैं, तो जॉब तो गारंटी है नहीं। 1,60,000 रुपये अपने माँ बाप का आप दे देंगे, उसके बाद ये गारंटी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा और आपसे ज्यादा आपके माँ बाप को कैसा लगेगा। तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन इसको प्रिफरेंस दूंगा, और इसमें आपका आराम से हो भी जाएगा, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। आपको कोई दिक्कत आई मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरी गारंटी है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है इनका, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं नाम तो सॉरी, QV44। आप अपना नाम बताइए पहले। ओके जी, मोहम्मद अब्दुल खवी है मेरा नाम। अब्दुल बोलिए। आपके यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। ऐप है ना आपका यूनिक्स सिविल, हाँ उसमें उसमें यही सारा अपने को अगर से फेस्टिवल ऑफर्स में ले लिया तो 300 में मिला, हाँ कंपेरेटिवली प्राइस बहुत है ना, क्या होता है सॉरी, कंपेरेटिवली प्राइस बहुत है यानी ऑफलाइन यानी लाइव और हाँ रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए। करेक्ट। तो मतलब क्वेश्चन क्या है? यानी कुछ कंसेशन वगैरह कर सकते अच्छा हैं, यानी नहीं, ट्वेंटी इसमें थाउजेंड कोई मेरे को नहीं, बहुत इसमें बहुत कोई ज्यादा कंसेशन अमाउंट नहीं, कोई दिखा। कंसेशन नहीं है। कंसेशन एक इतना सा है कि आपको 40,000 पे करना पड़ेगा, आप चेक दे दीजिए जॉब लगने के बाद दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका रीजन बताता हूँ ब्रदर। देखो क्या होता है, जब आप एक पहली बात तो फी ज्यादा नहीं है तो सबको पता है, ठीक है, बट फिर भी तुम पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ कि ये जो कॉस्ट होती है मेरे मेरे टाइम की कॉस्ट होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में तो सेम चीज मैं दे दे रहा हूँ ना आपको बहुत ही कम फी में, क्योंकि वहां पर मेरा वक्त नहीं जा रहा है, तो जो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा वक्त जाता है उस वक्त की छोटी सी फी होती है, ठीक है। कोई यहाँ पर मार्केटिंग वालों को फी नहीं है, मेरे पास कोई मार्केटिंग वाला है भी नहीं, ठीक है ना, मैं रखूंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये जस्ट मेरे टाइम की फी होती है ब्रदर। दूसरी चीज आपके सीरियसनेस की फी होती है, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ा कमिटमेंट देता हूँ, अगर आप सच में एक्टिव हैं आप आइए हमारे क्लास में, 100% अटेंडेंस दीजिए, 100% काम करिए, आपको मैं फ्री में सिखाऊंगा, फ्री में। लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले 20,000 पे करना पड़ेगा, 100% अटेंडेंस दीजिए और मैं आपको रिफंड कर दूंगा। मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ सबके सामने, रिकॉर्डिंग है रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर। ठीक है। उससे क्या होता है, सीरियसनेस आता है कि आपको भी लगना चाहिए ना कि मैंने फी दिया होगा, मुझे पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा भी ब्रदर, इसके अंदर हम आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं, मेजर प्रोजेक्ट, जो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर लेता है उसको भी, उसको तो मैं उसके फी वैसे ही लगभग लगभग ऑफ ही कर देता हूँ, अपने तरफ से दूंगा उसमें नहीं, वो फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फी हमारे लिए मैटर नहीं ब्रदर, फी हम ऑफ भी कर सकते हैं, आपको कोई एक दो लोगों को ऑफ कर देंगे मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट आपको बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि आपको वो चीज फ्री की लगेगी, ठीक है। और फिर आपकी सीरियसनेस, मतलब आप अपने लिए मत लेना, मैं बस बेसिक जो बात बता रहा हूँ, तो उसमें लोगों का सीरियसनेस नहीं बन पाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का बहुत अच्छा परफॉर्मर था एक बैच में, मैंने खुशी से उसको एक बैच इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, मैंने कहा मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हें, ठीक है। वो गिफ्ट मिलते ही इतना बड़ा परफॉर्मर उस बैच में एकदम खराब कर दिया, उसने अटेंड ही नहीं की क्लास आई से, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उसको निशुल्क हो गया। तो तुम करो आराम से, फी का कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम फी पे अगर तुमको नहीं हो पा रहा है तो टाइम लेके दे दो, और भी नहीं हो पा रहा तुम चेक काट के दे दो, तुम बाद में फी पे कर देना, और क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके तो गैस बस इसी सीरियसनेस के लिए रहता है कि आप सीरियस हो तो बस पढ़िए। लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप गैस आपका रहता है इसमें 6 सॉरी 8 GB RAM, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, ये मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, 4 GB RAM सॉरी 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, 8 GB RAM, ठीक है। और ऐसे बोल रहे हैं, PN बोल रहे हैं, यार मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, आपको यूनिक्स सिविल ऐप में जाके देखना पड़ेगा, शायद आपके पास ऐप तो होगा ही, तो ऐप में जाके देख लो कि क्या बोलते हैं क्या है,
तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बट अप्रॉक्स शायद 6,000 के आसपास मुझे लगता है होना चाहिए पूरा BIM का। ठीक है गाइस, चलिए अभी हम लोग इसको नमस्ते करते हैं। किसी का क्वेश्चन रह तो नहीं गया? कोई दिल पे मत लेना कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, बट जो दिखा मैंने वो पूछा। किसी का क्वेश्चन पूछना फिर से पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सर गुरुकुल हमें, ठीक है, एक इनका क्वेश्चन है, डू फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस काउंट इन द कंपनी? नहीं, सीओ फ्रीलांसिंग कंपनी में नहीं काउंट होता है। फ्रीलांसर को कंपनी हायर भी नहीं करना चाहती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कल को मेरे भी बिजनेस का फ्रीलांसिंग करने लगेगा। तो कभी भी किसी फ्रीलांसर को कंपनी प्रीफर नहीं करती है, वहां पर फ्रीलांसर शब्द को हाइड करके तब जाना चाहिए। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन तो नहीं बचा ना? नहीं। ठीक है गाइस, हम लोग नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन रह गया है तो नेक्स्ट संडे को पूछ लीजिएगा। कोलकाता में भीम की कंपनी है क्या? कोलकाता में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। अभी हमारे एक स्टूडेंट का लगा है दुर्गापुर, पता है ना, दुर्गापुर में लगा है। ठीक है, शुभम मौर्या करके है, ठीक है, उसको लगा है। और उसका पैकेज तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट हाँ ये जरूर है कि 5 के ऊपर है, ठीक है, पिनेकल कंपनी के अंदर। चलिए ठीक है गाइस, इतना ही समाप्त करते हैं यहाँ पर। और पुणे में तो भंडार है कंपनी का, 53 कंपनियां है पुणे में, ठीक है, 53 कंपनियां है पुणे में BIM की। चलो ठीक है, आप लोगों को मेरी टीम से जो भी कॉल जाएंगे आप उनको अपने हिसाब से फीडबैक दे दीजिएगा। कोई क्रॉस क्वेश्चन रह गया होगा तो उनसे पूछ लीजिएगा, उनको नहीं पता होगा तो हम उनको बताएंगे, आप तक पहुंचेगा। बाकी नेक्स्ट संडे को फिर से मुलाकात हो सकती है, मुश्किल भी है क्योंकि नेक्स्ट संडे को मुझे घर जाना है, ठीक है, अगर अवेलेबल रहा तो करूंगा, नहीं तो उसके नेक्स्ट संडे को। ठीक है, चलो सी यू गाइस।